नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी रसिक श्रोताओं का। मैं अन्नु कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आपके चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन तो है ही, साथ ही साथ जन्म दिवस है मौसीकार आज़म नौशाद साहब का। नौशाद साहब को याद करते हुए उन्हीं के जीवन से जुड़ा किस्सा आपको सुनाऊंगा। एक प्रोड्यूसर ने नौशाद साहब को एक फिल्म ऑफर की। नौशाद साहब ने अपनी मसरूफियात की वजह से फिल्म करने से मना कर दिया। तब प्रोड्यूसर ने कहा, आपने फिल्म करने से मना तो कर दिया है, लेकिन देख लीजिएगा, दुनिया इस फिल्म के म्यूजिक को आपके नाम से ही जानेगी। इसके साथ ही आज आपको इस शो में पता चलेगा किसने नौशाद साहब से कहा कि अगर आपने मुझे गाना नहीं गवाया तो मैं आपके घर के सामने वाले दरिया में कूद कर जान दे दूंगी, ये कौन थी। ऐसे और भी बहुत सारे किस्सों के साथ शुरू करते हैं आज का खेला। तो जनाब, बात करते हैं 1955 में आई फिल्म जिसका नाम था बारादरी। इस फिल्म का म्यूजिक नौशाद साहब ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी दुनिया को ये लगता है कि इस फिल्म का संगीत नौशाद साहब ने किया है, क्योंकि फिल्म के क्रेडिट में नाम उन्हीं का आता है। ये कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, सुनिए मजेदार कहानी। हुआ यूं कि मशहूर संगीतकार नौशाद साहब उन दोनों संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमा चुके थे, और फिल्म में उनका संगीत होना मतलब कि फिल्म की सफलता की गारंटी। तो इसी वजह से एक बार निर्देशक नक्षप साहब ने उनसे मुलाकात की, जो एक फिल्म प्लान कर रहे थे जिसका नाम रखा गया था बारादरी, और उन्होंने म्यूजिक देने का प्रपोजल दिया। मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि नौशाद साहब उस वक्त कारदार प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट यह था कि साल भर में बाहर की सिर्फ एक ही फिल्म कर सकते हैं। नौशाद साहब ने जब अपनी इस मजबूरी का वास्ता देते हुए उनके साथ काम करने से हेल्पलेसनेस बताई, असमर्थता जाहिर की, तो नक्षप साहब को थोड़ा झटका लगा, लेकिन क्या कर सकते थे। मगर उन्होंने जाते जाते नौशाद साहब से कहा कि भले ही आप मेरी फिल्म मत कीजिए, मगर देखिएगा, ये फिल्म आपके नाम से ही जानी जाएगी। अब हठी और अपनी धुन के पक्के नक्षप साहब ने अपनी इस बात को सच करने के लिए एक पैंतरा सोचा। उन्होंने संगीतकार शौकत अली दहलवी को इस फिल्म का म्यूजिक देने के लिए साइन किया, और ये भी उनसे मनवा लिया कि इस फिल्म में वो अपना नाम चेंज कर देंगे, और उनका नाम रखा गया नौशाद। तो जनाब, अब बारादरी का म्यूजिक बना, फिल्म बनकर थिएटर में आई, तो संगीतकार शौकत अली दहलवी की जगह फिल्म के टाइटल्स में म्यूजिक डायरेक्टर के आगे लिखा हुआ था नौशाद। इस फिल्म का एक गीत बहुत मशहूर हुआ था जिसे गाया था तलत महमूद साहब ने, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती। इस फिल्म की खबर जब अखबारों में छपी तो उसमें भी संगीतकार के रूप में नौशाद का नाम छपा था। इसको देखकर नौशाद साहब ने नक्षप साहब से जब सफाई मांगी तो नक्षप साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब, असल में वो नाम नौशाद है, लेकिन गलती से स्पेलिंग चेंज हो गई है, गलती से लिखने वाले ने नौशाद लिख दिया है। अब नौशाद और नौशाद इतने मिलते जुलते हैं कि लोग धोखा खा ही जाते हैं। बात नौशाद साहब की और उनके साथ काम करने वाले शायर गीतकार शकील बदायूनी साहब की। साथ काम तो करते थे लेकिन अच्छे दोस्त भी बन गए थे। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो नौशाद साहब ही थे जिन्होंने शकील साहब को, शकील बदायूनी साहब को, फिल्म बैजू बावरा में गीत लिखवाने के लिए डायरेक्टर विजय भाई जी भट्ट को राजी किया था। जबकि विजय भाई भट्ट प्रदीप जी से गीत लिखवाना चाहते थे, और बैजू बावरा का संगीत कैसा बना ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो बैजू बावरा से ये जो प्रोफेशनल रिश्ता बना दिनों दिन स्ट्रॉन्गर होता चला गया, और दोनों अगले 15 सालों तक साथ काम करते रहे। अब आ गया 60 का दशक, शकील साहब को टीबी और शुगर की बीमारी हो गई, बीमारी बहुत बढ़ गई,
काम से ब्रेक लेना पड़ा और इलाज के लिए चले गए पंचगनी। इलाज के दौरान खर्चे चलाना मुश्किल हो गया। जब नौशाद साहब को किसी तरह से पता चला कि शकील साहब की हालत नाजुक है और इलाज के पैसे भी नहीं हैं, तो नौशाद साहब बहुत अपसेट हो गए। उन्होंने ठान लिया कि वो शकील साहब की हर हाल में मदद करेंगे। लेकिन उन्हें मालूम था शकील बदायूनी बहुत खुददार स्वाभिमान आदमी हैं, तो उन्होंने एक तरीका निकाला। वो प्रोड्यूसर से मिले और तीन फिल्मों के लिए शकील बदायूनी से गीत लिखवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंच गए पंचगनी मिलने अपने दोस्त शकील बदायूनी से। नौशाद साहब को आया देखकर शकील साहब बहुत खुश हो गए। नौशाद साहब ने कहा कि तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपको इन तीनों फिल्मों के लिए गाने लिखने, और उन्होंने शकील बदायूनी साहब को एक्सपेक्टेड फीस से भी 10 गुना ज्यादा रकम सामने रख दी। इतनी ज्यादा रकम, इतने ज्यादा अमाउंट पैसे देखकर शकील साहब को समझ आ गया कि नौशाद साहब को मेरी कड़की के बारे में, गरीबी के बारे में, अभावों के बारे में पता चल गया है। बहुत प्रेशर देने के ऊपर उन्होंने हाँ कर ली। लेकिन शकील साहब को अंदर ही अंदर मालूम हो चला था कि अब जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए उन्होंने जितना जल्दी हो सका सारे गाने लिख डाले और इंसिस्ट किया कि जल्दी से रिकॉर्ड करवा लो ताकि कोई कमी हो कुछ। तो उन्हीं गानों में से, उन्हीं गीतों में से एक गीत था। इस गीत को सुनकर नौशाद साहब की आंखें, जब तक वो जिंदा रहे तब तक छलक आती थी। ये गीत था, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, शम्म रह जाएगी परवाना चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इस गीत के बाद, ये तीन फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के बाद शकील साहब चले गए, तो नौशाद साहब जब भी इस गीत को सुनते तो लगता था कि मेरा यार इस गीत के बहाने अलविदा कहने का जो पैगाम पहुंचा रहा है। आज नौशाद साहब नहीं है, आज शकील साहब नहीं है, लेकिन इन दोनों के शाहकार को सुनने वाले लाखों करोड़ों मौजूद हैं। देखिए जी, हम इससे पहले भी टुनटुन जी के बारे में बात कर चुके हैं। उमा देवी उनका नाम था, मथुरा के पास एक गांव में पैदा हुई थी, वहीं रही और 13 साल की उम्र में ही वो आ गई थी बंबई शहर। दो चार ख्वाहिशें थी, अच्छा ये ख्वाहिश नहीं थी, दो चार ख्वाहिशें थी, अच्छा। कि भाई मुझे दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल जाए, और ये मौका मिल गया। उनका यह सपना पूरा हो गया, ख्वाहिश पूरी हो गई। दिलीप कुमार की फिल्म बाबुल में उनके लिए स्पेशल रोल लिखवाया गया। एक और सपना था कि वो नौशाद साहब के लिए एक गाना रिकॉर्ड करें। टुनटुन को जब पता चला कि कारदार साहब एक फिल्म में हीरोइन के लिए एक आवाज की तलाश में है, तो टुनटुन पहुंच गई उनसे मिलने। कारदार साहब ने नौशाद जी से मिलवा दिया और नौशाद साहब से मिलते ही टुनटुन छूटते ही बोली कि अगर आपने मुझे अपनी फिल्म में गाने का मौका नहीं दिया तो मैं इसी दरिया में कूद जाऊंगी जो आपके बंगले के सामने है। आशियाना उनका बंगला था ना कॉटर रोड के ऊपर। नौशाद साहब को जोर की हंसी छूट पड़ी। उन्होंने टुनटुन से कहा, भाई ठीक है वो तो बाकी बात है, तुम डराओ मत, लेके गाना तो सुनाओ कुछ, गुनगुना के तो बताओ। बाजा लेके बैठे हुए थे, कौन सा सुर दूं, कौन सा सुर, मतलब कौन सा स्केल दूं। अब टुनटुन जी तो रॉ मटेरियल थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ बने मालूम नहीं है, स्कूल स्केल क्या होता है जी, काला पहला, काला दूसरा, काला चौथा सफेद, मुझे कुछ नहीं मालूम है। ऐसा करती हूँ मैं तो गाना शुरू करती हूँ, आप स्केल खुद ढूंढ लेना। अच्छा, नौशाद साहब को भी मजा आ रहा होगा, बच्ची थी वैसे। इस तरह से टुनटुन ने नौशाद साहब के सामने गाना सुनाया और गाना सुनने के बाद नौशाद साहब इंप्रेस भी हो गए और उन्होंने कुछ सोचकर एक गाने के लिए उमा देवी उर्फ टुनटुन को सेलेक्ट कर लिया। कारदार प्रोडक्शन के लिए सिंगर के तौर पर
टुनटुन जी को साइन कर लिया गया, 500 रुपए एडवांस भी दे दिए गए और प्रोडक्शन के गेस्ट हाउस में रुकने का इंतजाम भी कर दिया गया। और इस सिलेक्शन के बाद टुनटुन जी ने नौशाद जी के लिए जो गीत गाया वही गाना बन गया उनकी पहचान। सारा आलम टुनटुन जी उर्फ उमा देवी को इस गाने की वजह से जानता है। ये गाना सुरैया जी के ऊपर पिक्चराइज्ड है। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। हिंदी सिनेमा के इतिहास में शायद ये अकेली ही फिल्म होगी जिसे पर्दे पर आने में 5 नहीं 10 नहीं 14 नहीं 15 नहीं बल्कि 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। ये बात है 1960 के शुरुआती दशक की, जब निर्माता निर्देशक के आसिफ ने एक फिल्म का निर्माण शुरू किया। इससे पहले आसिफ साहब मुगले आज़म बना चुके थे और इस फिल्म को बनाने में उन्हें 9 साल लगे थे। मुगले आज़म की कामयाबी के बाद उन्होंने सोचा कि वो अब मुगले आज़म से भी एक बड़ी फिल्म बनाएंगे और ये सोचकर फिल्म का काम स्टार्ट कर दिया। ये फिल्म लैला मजनू की मोहब्बत पर आधारित थी। टाइटल रखा गया लव एंड गॉड। ये फिल्म के आसिफ की फर्स्ट कंप्लीटली कलर्ड फिल्म भी होने वाली थी। लव एंड गॉड का निर्माण शुरू हुआ तकरीबन 60-61 के आसपास। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के रूप में उन्होंने साइन किया गुरुदत्त और निम्मी को। निम्मी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि के आसिफ उनसे कहा करते थे कि निम्मी ये फिल्म मुगले आज़म से भी बड़ी ग्रैंड और शानदार बनेगी, इसे देखकर लोग मुगले आज़म को भूल जाएंगे। पर यह फिल्म जब से शुरू हुई कोई ना कोई मुसीबत इसके निर्माण के बीच में आती रही और फिल्म मुसीबतों के कारण बार बार अटकती रही। सबसे पहले ये फिल्म अटकी 1964 में। 10th अक्टूबर 1964 को अचानक गुरुदत्त जी की डेथ हो गई। इसके कुछ समय के बाद आसिफ साहब ने गुरुदत्त की जगह संजीव कुमार को लेकर किसी तरह फिल्म की शूटिंग रीस्टार्ट की। लेकिन किस्मत देखिए कि 1971 में लव एंड गॉड दोबारा रुक गई और इस बार इस रुकावट की वजह यह थी कि आसिफ साहब चले गए। आसिफ साहब की डेथ ने इस फिल्म को तकरीबन बंद ही कर दिया था। वक्त गुजरता गया और के आसिफ का यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट, यह आखिरी शाहकार डब्बे में बंद पड़ा रहा। 80s आते आते निर्माता निर्देशक केसी बुकाड़िया की कोशिशों के बाद और के आसिफ की पत्नी अख्तर आसिफ की सहायता से इस फिल्म को किसी तरह से रिलीज के काबिल बना के 20 वर्षों से भी ज्यादा टाइम के बाद साल 1986 में रिलीज किया। निम्मी जी की भी आखिरी फिल्म थी, नौशाद साहब और रफ़ी साहब की टीम की भी आखिरी फिल्म थी। और एक आखिरी बात ये कि इस फिल्म को देखने के लिए इस फिल्म का हीरो संजीव कुमार भी नहीं रहे। मजनू का रोल कर रहे थे कैस। गुरुदत्त साहब चले गए और 85 नवंबर में हरी भाई उर्फ संजीव कुमार भी चले गए। लैला मजनू रवेल साहब ने भी बनाई थी, ऋषि कपूर और रंजीता को लेकर, डैनी ऋषि कपूर रंजीता को लेकर। मदन मोहन जी ने इसका संगीत किया था और कुछ गाने जयदेव साहब ने भी कंपोज किए थे। वो तो खूब फिल्म चली लेकिन के आसिफ की लव एंड गॉड नहीं चल पाई। देव साहब और गीता जी, गीता बाली आई रेट हर एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड, साथ काम कर रहे थे। ये बात है फिल्म जाल की शूटिंग के वक्त की। जाल फिल्म का डायरेक्शन गुरुदत्त साहब कर रहे थे और फिल्म की शूटिंग चल रही थी सिंधुगढ़ जिले के एक मालवण के इलाके में। बहुत खूबसूरत जगह है, एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ और दूसरी तरफ समंदर। इस फिल्म में केन सिंह साहब भी काम कर रहे थे। एक दिन जब देवानंद का शॉट खत्म हुआ
तो वो सिंह साहब से मिलने चले गए। जब देवानंद केएन सिंह के रूम के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि वो अपनी सीट पर बैठे कुछ पी रहे थे। उन्हें देखकर देव साहब ने उनसे पूछा कि काका ये क्या पी रहे हो? तो केएन सिंह साहब ने अपना ग्लास उठाते हुए कहा कि इसे फैनी कहते हैं और एक ग्लास देव साहब के आगे बढ़ा दिया। देव साहब बोले कि काका आपको मालूम है शराब नहीं पीता। केएन सिंह साहब ने कहा देव ये शराब नहीं है अमृत है। एक काम करो ज्यादा मत पियो बस कुछ बूंदे ही चख लो और फिर देखना शूटिंग करते हुए कितना आनंद आएगा। देव साहब इस प्रेशर के आगे झुक गए और जहां कुछ बूंदे चखने की बात हुई थी वहां देव साहब ने फैनी के दो पूरे भरे हुए गिलास गटक डाले। फैनी चढ़ गई, हाथ हिलने लगे, सर चक्कर खाने लगा। तभी एक असिस्टेंट पास आया और बोला आपका शॉट रेडी है। शॉट बीच पे लगा हुआ था, समंदर में लहरें उफान पर थीं। गुरुदत्त साहब को ऐसे ही सीन की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने देव साहब से कहा सीक्वेंस ये है कि तुम्हें गीता का हाथ पकड़ना है और पानी में चलते हुए जाना है और जब पानी घुटने तक आने लगे तब तुम दोनों को पीछे पलटकर कैमरे के अंदर देखना, उसके बाद मैं शॉर्ट कट कर दूंगा। देव साहब ने हामी भर दी और गीता बाली का हाथ पकड़कर चल दिए पानी के अंदर, लेकिन फेनी का नशा सर पे था। अब वापस जब कभी आप फिल्म जाल को देखें तो गौर करिएगा कि देवानंद गीता बाली के साथ इस सीन में भाग रहे हैं जबकि गुरुदत्त ने उन्हें चलने के लिए कहा था आराम से चलते हुए जाओ, पर फेनी जब शॉट हो गया तो गुरुदत्त चिल्लाए कि बस आ जाओ वापस शॉर्टकट हो गया है, पर देव साहब के ऊपर फेनी इतनी चढ़ी हुई थी और उन्हें उस सुरूर में इतना मजा आ गया था कि उन्होंने गुरुदत्त की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, डायरेक्टर के कट होने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मस्ती में समंदर की तरफ बढ़ते ही चले गए। और देखते ही देखते देवानंद और गीता बाली की कमर के ऊपर पानी आ गया, हाई टाइड थी ध्यान रखिएगा। पीछे से गुरुदत्त चिल्ला रहे थे और तभी आ गई एक ऊंची बहुत बड़ी विशाल लहर जिसने देव साहब और गीता बाली को पानी के अंदर गिरा दिया और पूरी तरह से ढक लिया। अब मौके की नजाकत को समझते हुए गुरुदत्त और बाकी के क्रू मेंबर्स पानी की तरफ भागे और किसी तरह से उन दोनों को पानी के अंदर से खींचकर बाहर लाए। जद्दोजहद के बाद पानी में डूब गए थे लोग। जब तक इन दोनों को पानी से बाहर लाया गया तब तक पानी नाक और छाती में चला गया था, पेट में चला गया था पानी और इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई थी। और जब हालत नॉर्मल हुए, जब देव साहब को होश आया और उन्हें अपनी इस हरकत का पता चला तो वो माथा पकड़ के बैठ गए होंगे। बात करूंगा अजीत साहब की। 1940 के दशक से फिल्मी करियर की बतौर नायक शुरुआत करने वाले अजीत साहब की पहचान उनका वेस्टर्न आउटफिट, ओवरकोट, सफेद जूते, ये उनकी पहचान बन गई थी। हिंदी फिल्मों में स्मगलर को खलनायक के रूप में मशहूर करवा दिया। फिल्मों में उनके गैंग मेंबर्स के अधिकतर नाम हुआ करते थे रॉबर्ट, माइकल, पीटर, मोना। सारा शहर हमको लॉयन के नाम से जानता है। उनका सारा स्मगलिंग का सोना मडैलन भी जाता था। पर्दे पर जितने कठोर लगते थे असल जिंदगी में उतने ही नर्म दिल और मधुरभाषी थे, बहुत कल्चर्ड फैमिली के थे। अजीत साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि क्यों वो अपने पीक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चले गए थे, इसकी क्या वजह थी। 1940 से लगातार फिल्मों में काम करने वाले अजीत साहब ने 1984 की फिल्म राज और राणा और राज तिलक के बाद एक लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री से जैसे संन्यास ले लिया था। उनके अनुसार इस संन्यास का कारण इंडस्ट्री का बदलता माहौल था। उनके हिसाब से यह वक्त था जब अनुशासन बहुत कम हो गया और लोग गैर पाबंद होते जा रहे थे। उन्होंने बताया कि वो शूटिंग पे कॉल टाइम के अनुसार वक्त पे पहुंच जाते पर कई निर्माता, निर्देशक और दूसरे यूनिट के लोग लेट आते थे। शूटिंग वक्त पर खत्म ना होने की वजह से जो उनकी दूसरी शूटिंग थी, दूसरी फिल्म की शूटिंग थी, उस पर असर पड़ने लगा था और वहां के जो पंक्चुअल लोग थे वो नाराज हो जाते थे। अजीत साहब बताते हैं कि उनके जीवन में ऐसे कई वाकये हुए जब उन्होंने सोचा कि वो एक प्रोड्यूसर का पूरा काम किए बिना नहीं जाएंगे।
जब वो पूरा काम करके जाते तो पता चलता दूसरा उनका वेट कर रहा है। तो ये क्योस जो था ना, इनडिसिप्लिन, ऐसी एक नहीं बहुत सारी घटनाएं हुई। और जब बार बार ऐसा होने लगा तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब उनसे इस माहौल में काम नहीं होगा। बहुत बोल्ड डिसीजन था। इस घटना के 7-8 साल बाद जब वो एक दिन स्क्रीन मैगजीन की एक पार्टी में गए तो वहां उन्हें जो उनके कलाकार मित्र हैं, जो कलीग हैं उस जमाने के यार दोस्त, वो मिले। उनमें से एक देव साहब भी थे। देव आनंद ने पूछा, क्या बात है आजकल आप फिल्म वगैरह नहीं कर रहे? तो अजीत साहब ने अपना रीजन बताया था। तब देव साहब ने अजीत साहब से कहा, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं, हम आपका परिवार हैं, आपको अब ये संन्यास, सेल्फ इम्पोज जो एग्जाइल है वो खत्म करके फिल्मों में आना ही पड़ेगा। अजीत साहब बताते हैं कि उस दिन देवानंद और बाकी सब दोस्तों से मिलकर ये बातें सुनकर उनका दिल भर आया और उन्हें लगा कि आज भी लोग भूले नहीं हैं, उन्हें याद करते हैं। और उन्होंने तब वापस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का फैसला लिया और उनके इस फैसले का स्वागत पूरी इंडस्ट्री ने दिल खोल के किया और अच्छे अच्छे रोल भी उन्हें ऑफर हुए। 1984 के बाद 1992 में जिगर फिल्म से उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की और लगातार 1995 तक फिल्में करते रहे। उल्लेखनीय उनकी फिल्म लास्ट थी 1995 क्रिमिनल। मुझे उम्मीद है ये किस्से कहानियां आपको पसंद आएंगे। तो हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए बराए मेहरबानी हमारा नंबर नोट कर लीजिए। एसएमएस भेजने के लिए नंबर है 55454। लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफर, फिर अपना मैसेज। आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बड़े प्रेम से आप मुझे सुनते हैं, इस प्रोग्राम को सराहा है, मान दिया है, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।